मजा आ गया पूरे पेपर में। जिसने क्लास प्रॉपर लिए, लगातार लिए, अपने आप उसका दिल बोलेगा कि पेपर में क्या आया। इल्तु तमीसो खिजली हो, खिलजी हो, मेरा ससरा खिलजी, शेर शाह हो या अकबर हो, आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो, विद ऑप्शन आया है बाबू, विद ऑप्शन, ए रामफल विद ऑप्शन कोड। अब सुनिए मेरी बात, यही हमारी अभी लड़ाई समाप्त नहीं होती, यही हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती है, यहां से हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। जिसमें से आपके जिसके भी 60 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर, वो तैयारी शुरू करो किसकी, लेखपाल की। जिसके 60 से कम बन रहे हैं, अभी वो पेपर आ जाएगा, पूरा पेपर तो आपने देख ही लिया होगा, वो कोई मूठल बालक होते हैं, मूठल समझते हो, मूठल बालक होते हैं जो मतलब किसी की नहीं सुनते, मास्टर की भी, वो पेपर ले आते हैं तो लोग क्या सोचते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक वीक नहीं हुआ बे, सुबह जो तुम लोग देख रहे थे फालतू की वो आंसर की आ रही थी, एक भी क्वेश्चन आया उनमें से। तो ये क्या होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं धरला में पेपर को मास्टर को बता के भागा में, हमारे गांव में से मूठल बालक के में सुनता ना वो किसी की, अभी एक मास्टर से भिड़ गया वहां कक्ष में ही, कक्ष निरीक्षक से, कक्ष निरीक्षक कह रहा भैया तो सरकार ने कही है इस पेपर को जमा करके जाओ, क्यों पैसा दिए फार्म के किराए लगा के आया हूं, हमारे बोले आंसर कह या कोई प्रेरणा दे रहा हूं पेपर, अरे मैं बोला दे दे पेपर मेरे ससरे, पेपर तो उनमें डाल देंगे वेबसाइट पे, पेपर है क्या खाएगा, जो होना था हो गया, इसे क्या ले गुरु जी ऐसा ना मैं ना दूंगा, अब उसके लिए कौन सी पुलिस बुलाएं। तो ऐसे मूठल बालक हो मैं, वो आके डाल दे मैं गुरु जी पेपर लीक हो गया, पेपर बाहर कैसे आ गया, अबे पेपर होने के बाद आया ना, 12 बजे के बाद आए, 3 से 5 बजे के बाद आए, उस पेपर का करना क्या है, उसे खीर खानी है, ऐ खीर में मिला खाना उसे स्वाद देगा, वो ड्राई फ्रूट है, अबे नहीं। तो मेरी क्या, मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पुरुष और महिला दोनों, और इस पे आप लोग अनुमानित लेकर चलिएगा, पुरुष वाले मामले में और महिला वाले मामले में। और 1 सितंबर से अपना, 1 सितंबर को मैं आपका लेखपाल, 1 सितंबर क्यों, क्योंकि तब तक लेखपाल के बारे में काफी जानकारी पता चल जाएगी कि लेखपाल का पैटर्न क्या, भी किसी को लेखपाल का पैटर्न पता है, यस या नो बताओ, नहीं पता ना, क्या किसी को लेखपाल के बारे में जानकारी, कितने नंबर का आएगा, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता, तो अभी कोई फायदा नहीं है, अभी 3-4 दिन का हमारे पास समय है, 25, 26, 27, 28, 29 मौज मारो, मौज मत मारो, एक तो अपने पिछले 8 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लो एकदम, आज करंट अफेयर में सबको दिक्कत हुई होगी, 8 महीने का करंट अफेयर, मेरी बात मान लो, ये जो तुम्हारे पास 5 से 6 दिन है, बच्चा सिर्फ करंट अफेयर पे दो, सिर्फ करंट अफेयर।